अरे भाई, अब तो ये नहीं समझ में आता है कि कौन से बाबा पे विश्वास करें। सुनिए जरा ये। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक उससे दुर्गंध बहुत आती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसका उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन गिरा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा